नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क टिप्पणी की और जमकर फटकार लगाई। इस मामले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि जिस किसी को किसी भावना पर आस्था है, किसी की भावना को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं। वहीं ओवैसी की ओर से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर सवाल पूछा गया तो शिवपाल यादव ने कहा कि सभी को समान रूप से कानून के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई घटना पर जब पूछा गया कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि ये सरकारों का काम है कि संविधान के मुताबिक काम करें। जहां पर भी कानून या संविधान की अवहेलना पर दोषियों के लिए जो कानून बना है उसके तहत कार्रवाई करें, उस कानून का सरकारें पालन करें। दरअसल बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर की सुनवाई एक ही जगह हो, उनका सभी जगह एक जितने भी केस चल रहे हैं उन्हें एक जगह उनकी सुनवाई की जाए और दिल्ली में उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता रही हैं। उन्होंने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी, इसका काफी विरोध हुआ था। अरब देशों ने भी इसका खूब विरोध किया था। मुस्लिम देशों ने बयान की आलोचना की थी, जिसके बाद बीजेपी को नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।